नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर साउथ में। आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ साउथ की टॉप 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिनमें हमें मर्डर मिस्ट्री एक्शन क्राइम सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ फिल्में हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है और कुछ फिल्में हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, और वो कहाँ देख सकते हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारे फिल्में एक से बढ़कर एक है जिनकी कहानियाँ काफ़ी थ्रिलिंग अमेजिंग और आपको फिल्में पूरी तरह से एंगेज करके रखती है, और ये पांचों फिल्में एक मस्ट वॉच है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बिना स्किप करके बने रहे ताकि आपसे एक भी मूवी मिस ना हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नंबर 5 पे है तमिल लैंग्वेज की मूवी अश्विन, जिसे 2023 में रिलीज किया गया था। यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb की तरफ से 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 58% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। फिल्म के कास्ट में हमें बसंत रवि, तरुण तेजा के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगी। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी में हमें इंडियन यूट्यूबर अर्जुन अपने ग्रुप के साथ लंदन में एक पुराना हवेली पर जाता है। अपना काम शुरू करने के बाद तुरंत वो हवेली में कुछ अजीब घटनाएं देखते हैं। तो हवेली में ऐसा कौन सी रहस्यमय घटना होती है, आखिर वहाँ ऐसा क्यों हुआ था, क्या वो लोग हवेली से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 4 पे है तेलुगु लैंग्वेज की मूवी गैंग लीडर, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक कॉमेडी सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म की कास्ट में हमें नानी, प्रियंका के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो हैदराबाद में एक भयानक बैंक डकैती होती है और 300 करोड़ लूटे जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक बूढ़ी महिला और 4 महिलाओं मिल के एक गैंग बनाती है और मदद के लिए क्राइम नोवेल एक्सपर्ट पेंसिल पर साथी के पास जाता है। शुरुआत में पेंसिल गैंग को इग्नोर करता है पर बाद में उनकी मदद करने का फैसला करती है, और ये महिला कौन होती है, उनका बैंक डकैती से क्या लेना देना है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। ये एक माइंड ब्लोइंग फिल्म है जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 3 पे है तमिल भाषा की मूवी बटरफ्लाई, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कास्ट में हमें भूमिका चावला, अनुपमा के साथ और बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी में गीता अपने बहन को बच्चों को बचाने की कोशिश करती है जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है, और इसी बीच गीता को अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ शॉकिंग सीक्रेट पता चलता है। तो फिर ऐसे में गीता क्या करेगी, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म होगी। ये मूवी YouTube पर ही अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2 पे है तेलुगु लैंग्वेज के मूवी स्पेशल, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कास्ट में हमें अजय, अक्षिता के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी में एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक सीरियल किलिंग जुड़े केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो जो सीरियल किलर है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके वजह से वो सीरियल किलर बार बार बच जाते है। तो आखिर सीरियल किलर पास ऐसा कौन सी स्पेशल एबिलिटी होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर इस मूवी को नहीं देखी हो तो प्लीज देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 1 पे है तमिल लैंग्वेज की मूवी हीरो, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 74% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। फिल्म के कास्ट में हमें शिवा कार्तिक, एकल नंदी के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी में शक्ति एक फेक सर्टिफिकेट रैकेट चलाती है और वो शिक्षक दलाल भी होता है। जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट माथी एक इंजीनियर बनने की इच्छा रखती है और शक्ति उसे मदद करने की कोशिश करता है, तभी माथी एडुकेशन सिस्टम माफिया का सबसे काले पन्नों को देख लेता है। भाई एडुकेशन सिस्टम का माफिया काफ़ी पावरफुल होता है, उसे हराने का मुश्किल होने का कारण माथी एक सुपर हीरो बनने का फैसला करती है। अब अपना सुपर हीरो एडुकेशन सिस्टम माफिया को बेनकाब करने के लिए और उनका साम्राज्य बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है। क्या आप लोगों का सुपर हीरो इस मिशन में कामयाब हो पाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो ये थी आज की टॉप 5 फिल्में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसी लेटेस्ट और बेहतरीन मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर साउथ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।